मुंबई सटे इलाका मीरा भाईंदर के रामदेव पार्क के काजल ग्राउंड में विश्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष संस्थापक मनीष एफ सिंह ठाकुर के नेतृत्व में अयोध्या के मर्मज्ञ विद्वान कथाव्यास परम पूज्य श्री श्री 1008 जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री धराचार्य जी महाराज असरफी भवन पीठ अयोध्या श्री अयोध्या धाम के श्री मुख से एक दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का अमृतमय लाभ मीरा भाईंदर के श्री राम भक्तों को मिला। इस मौके पर विश्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष मनीष एफ सिंह ठाकुर और उनकी पूरी टीम ने खबर इंडिया के संपादक रितेश पाठक से खास बातचीत की। इस पर देखिए खबर इंडिया की ये खास कवरेज। वेदों ने भी किया, अनेकानेक भक्तों ने भी किया, लेकिन प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार अपने चरण रख दें तो पादुकाओं में इतनी शक्ति आ जाए, ये तो श्री भरत लाल जी के ही चरित्र से हमें पता चलता है। भरताय परम नमोस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्तिभाजा यदुपग्यमशेषतः पृथिव्याम् प्रथितो राघव पादुका प्रभावः। प्रभु राम ने चित्रकूट में लकड़ी की बनी पादुकाओं में चरण स्पर्श करा दिया और कहा, भरत योगक्षेमं विधास्यतः, ये पादुकाएं तुम्हारे योग और क्षेम का वहन करेंगे। योग का अर्थ है जो नहीं है उसको प्राप्त करना, और क्षेम का अर्थ है जो आपके पास है उसकी सुरक्षा करना। अचित पारतंत्र जो जीव का स्वरूप है वो भरतलाल के जीवन में हमें दिखता है। और जब 12 वर्ष बीत कर 13 वर्ष लगा प्रभु राम वन में थे, तो एक रात्रि भरत जी को बड़ी वेदना हुई कि मेरा जन्म न होता तो माँ कैकेयी प्रभु राम को वन जाने का वरदान न मांगती, पिता दशरथ भैया राम को वन न भेजते। लगता है कि मैं जब तक जीवित रहूंगा भैया राम को कष्ट मिलता रहेगा। रात में 12 बजे नंदी ग्राम से निकलकर सरियों में डूब कर प्राण त्यागने के लिए गए, और जब कंठरल जल में पहुंच गए तो दो महापुरुष आए और पकड़कर भरतलाल को बाहर निकाला, प्राण त्याग से बचाया। भरतलाल ने कहा, रात में यहां आकर मुझे बचाने वाले आप दोनों का परिचय क्या है? तो उन दोनों महापुरुषों ने कहा, जिन प्रभु राम की चरण पादुकाओं में आप सारा भार निक्षिप्त कर रखे हैं उन प्रभु राम की हम चरण पादुकाएं। भगवान का रूप सौंदर्य गुण स्वभाव इनका अनुभव तो भक्तों ने बहुत किया है, लेकिन इतना सामर्थ्य प्रभु में कि चरण रख दें तो पादुकाओं में दिव्यता जाए कि वो मानव रूप धारण कर ले, भरतलाल को प्राण त्याग से बचाएं, ये महिमा तो केवल भरतलाल जी ने पादुकाओं का पूजन करके बताया है। जय श्री राम हर महादेव। आज मीरा भाईंदर वासियों की तरफ से जो श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया सफलता पूर्वक संपूर्ण हुआ, जिसके अपने रामानुजाचार्य श्री धराचार्य जी अयोध्या के असर के पेट से आए थे और सबको आशीर्वाद दिए, और मीरा भाईंदर की धरती आज शुद्ध हो गई। आने वाले समय में फिर हम लोग मिलके एक बहुत बड़ा आयोजन किया जाएगा,
जिसमें हम मीरा भाईंदर वासियों का सहयोग ऐसे प्राप्त होता रहे, इसके लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम। सभी को मालूम है कि अयोध्या में श्री रामलला के मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, 40% से ज्यादा कार्य पूरा हो चुका है और अगले दशहरा विजयदशमी पर्व तक वहाँ पर भव्य राम मंदिर का शुभारंभ हो जाएगा, जिसका लाभ न सिर्फ देशवासियों को बल्कि विदेशों के भी श्री राम भक्तों को मिलेगा। बात करते हैं मनीष सिंह ठाकुर की, तो मनीष सिंह ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इसके साथ ही सामाजिक क्षेत्र में ये समय समय पर सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तमाम तरह के आयोजन करते रहते। बीच में भी कजरी महोत्सव का भी उन्होंने आयोजन किया, जिसका लाभ हजारों लोगों ने लिया। ऐसे तमाम आयोजन है। कोरोना काल में जब पूरा देश घर में बंद था, मीरा भाईंदर के लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, उस दौरान भी मनीष सिंह ठाकुर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी टीम के साथ शहरवासियों की जो भी मदद की, मरीजों की जो सेवा की, उनके परिजनों की जो सेवा की, उसकी जितनी भी सराहना की है वो कमी है। मीरा भाईंदर के रामदेव पार्क में विश्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का श्री राम कथा का जो आयोजन हुआ, उस आयोजन कथा में शामिल रहे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रकोष्ठ के मीरा भाईंदर शहर के जिला उपाध्यक्ष कन्हैया झा जी जुड़ रहे हैं। कन्हैया झा जी, जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कथा का अमृतमय लाभ मीरा भाईंदर की वसुंधरा पे लोगों को मिला, विश्वनाथ चैरिटेबल के ट्रस्ट आपके अजीज मित्र मनीष सिंह ठाकुर के नेतृत्व में ये कथा का लाभ लोगों ने लिया, आप क्या कहना चाहेंगे विश्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट और मनीष जी ठाकुर की? ये विश्वनाथ चैरिटेबल बहुत ही अच्छी काम कर रही है आजकल मीरा भाईंदर शहर में, और हमारा उद्देश्य है कि मनीष भाई को अगले चुनाव में नगर सेवक का उम्मीदवार बनाया जाए और वो जीतेंगे, और बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। और ये भगवान की राम का काम किया है उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया है। इससे पहले भी उन्होंने गणेश पूजन में उन्होंने बड़ापा का वितरण किया था विश्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट से, और काफ़ी अच्छे लोग काम कर रहे हैं, मनीष भाई। नमस्कार, मैं रितेश पाठक, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। खबर इंडिया के खास कार्यक्रम भक्ति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मीरा रोड के रामदेव पार्क में मौजूद हूं, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन को चरितार्थ करने वाले, उनके आदर्शों पे, पदचिन्हों पे चलने वाले विश्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि मुंबई की एक प्रतिष्ठित जानी मानी सामाजिक संस्था है, उसके ट्रस्टी और टीम मेंबर हमारे साथ जुड़ेंगे, जिन्होंने अयोध्या के प्रसिद्ध विद्वान प्रातस्मरणीय परम पूजनी श्री रामानुजाचार्य श्री धराचार्य जी महाराज, जिन अयोध्या असरफी भवन से पधारे मुंबई आर्थिक नगरी में, जिनके मुखारविंद से मीरा भाईंदर की लोगों को एक बहुत बड़ा पूर्ण प्रताप मिला है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पचिन्हों पर आदर्शों पर चलने के लिए। मैं अपने कला पर्सन से तमाम विश्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों की को दिखाने गुजारिश करूँगा कि जिन्होंने इस ऐतिहासिक और सफल श्री राम कथा के आयोजन के लिए दिन रात मेहनत किए और वो शुभ दिन घड़ी आई। हम सीधे रुक करेंगे राजेश जी उपाध्याय, जो कि मीरा भाईंदर ही नहीं पूरे मुंबई शहर के एक प्रतिष्ठित पत्रकार माने जाते हैं, समाज सेवक भी हैं। राजेश उपाध्याय जी, श्री विश्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के आप प्रमुख ट्रस्टी हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अमृतमय कथा गुरुदेव के पावन सानिध्य में यहाँ के सुनने को मिला, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, सबसे पहले तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, बताना क्या, जग जाहिर चीज़ है कि अयोध्या में बहुप्रतीक्षित श्री राम लला के मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, लगभग कार्य भी 40% पूरा हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि 2023 दीपावली, दशहरा या दीपावली के पावन पर्व पर वह पूरा मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और सभी भक्तों को, देश विदेश के भक्तों को उसका लाभ मिलेगा, दर्शन लाभ मिलेगा। और अयोध्या जो है एक धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। बात करते हैं विश्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट की। विश्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज काजल ग्राउंड, रामदेव पार्क, मीरा रोड पूर्व में अयोध्या के असरफी भवन के प्रमुख जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री श्रीधराचार्य जी महाराज की रामकथा का आयोजन किया, जिसमें उनके प्रवचन का, रामकथा के प्रवचन का अमृतपान करने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पधारे। बारिश का दौर है लेकिन उसके बाद भी लोगों में उत्साह बना रहा और सभी ने श्री राम कथा का लाभ लिया। विश्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करते हैं तो ये खाली धार्मिक आयोजन ही नहीं,
तमाम तरह के सामाजिक आयोजन भी करती रहती है। कोरोना काल में भी संस्था ने बढ़ चढ़ कर अपनी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया है और आगे भी करती रहेगी, इतना मैं सबको भरोसा दिलाता हूँ। धन्यवाद आपसे बातचीत करने। विश्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख अध्यक्ष संस्थापक मनीष एफ सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष सिंह जी, जिस तरीके से ये संस्था काम करती है, आपके नेतृत्व में विश्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा यहाँ पे अमृतमय श्री राम कथा का महालाभ लोगों को मिला, तो सर संस्था के बारे में और गुरुदेव के बारे में बताना चाहेंगे। एक्चुअली जो भी हुआ है, अयोध्या से आए अपने प्रभु रामानुजाचार्य जी, स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज की देन है कि आने का तो कोई उनका यहाँ पे प्रोग्राम ही नहीं था मीरा भाईंदर शहर में। अचानक ये बातचीत चालू हुआ, हमके गुरु जी एक घंटे के लिए क्या आ जाइए, जो हम लोगों को सौभाग्य था कि आए और हम लोगों को आशीर्वाद दिए। और इसमें हमारा अकेले का नहीं है, जितने लोग हैं सब को उनको आशीर्वाद दे के गए। जैसे अपने वसई से जयप्रकाश पांडे जी, अंधेरी से विनोद तिवारी जी, और आपके सामने राजेश उपाध्याय जी, अनिल सिंह जी, उनकी फैमिली सब लगे हुए हैं और सबका सहयोग है। ये अकेले का प्रोग्राम नहीं होता है और सबका है। और श्री रामचंद्र जी सबको आशीर्वाद दे के गए हैं और उनके आशीर्वाद से यहाँ जो हुआ है सो हुआ है। मनीष सिंह जी, जो यहाँ पे भक्त आए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के, तमाम लोग बारिश के बावजूद भी भारी संख्या में लोग आए, उन भक्तों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है, क्या आभार प्रकट करना? विश्वनाथ ट्रस्ट की तरफ से जो भी यहाँ पे आए श्री रामचंद्र जी के भक्त और गुरुदेव के जो भी हमारे गुरु भाई, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मीरा भाईंदर शहर उनका धन्यवाद करता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपसे चलते थे आखिरी सवाल कि अपने संस्था के बारे में बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में और संस्था किस तरह काम करती है और इस तरह की कौन से तमाम धार्मिक काम संस्था करती है। आप तो देख रहे होंगे विश्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट हर समय कुछ ना कुछ करता रहता है प्रोग्राम, और सबके सहयोग से होता है। जितने मीरा भाईंदर में ट्रस्टी हैं अपने, ऐसा कोई इंसान है जो हिंदू सनातन धर्म के हिंदू हो और जो मदद न करते हो, सब मदद करते हैं और उनके सहयोग से कार्यक्रम होता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मीरा भाईंदर वासियों की तरफ से। धन्यवाद मनीष सिंह जी। विश्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े। सर आप क्या कहना चाहेंगे पूरे आयोजन को लेकर? पूरे आयोजन के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज मीरा भाईंदर में हुआ है। जो श्रीधराचार्य जी महाराज अयोध्या से पधारे मीरा भाईंदर में, और एक सुंदर कथा वचन का जो यहाँ आयोजन हुआ, काफ़ी उत्साहवर्धक रहा, काफ़ी लोगों ने इसका लाभ लिया और आज इस ग्राउंड में उनके कदम पड़ने से ग्राउंड भी धन्य हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे, संस्था से आप जुड़े हैं, संस्था के लिए काम करते हैं? संस्था के लिए यही कहना चाहूँगा कि जो इस काजल ग्राउंड के पावन धरती पर महाराज जी का आगमन हुआ, उसमें सबसे बड़ा योगदान मनीष जी का है। और मनीष जी ने ही सुबह से लेकर शाम तक का आयोजन में अपनी एकत्रता दिखाते हुए सभी मित्रों के साथ एकजुट रहे। बरसात जो है ओझा गुरु जी जुड़ रहे हैं। गुरुदेव जी आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी एक प्रतिष्ठित विद्वान हैं मुंबई के, जिस तरह से अमृत में कथा हुई गुरुदेव के पावन सानिध्य में, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि श्री अयोध्या धाम से जो भी संत पधारते हैं वह भगवान राम के स्वरूप होते हैं। तो महाराज जी को पहले तो बहुत बहुत प्रणाम है कि संत हैं, संत जो है भगवान स्वरूप ही होते हैं। और दूसरा धन्यवाद है कि हमारे वरिष्ठ समाज सेवक और हमारे प्रिय श्री मनीष सिंह जी, जो जिसके माध्यम से महाराज जी का मीरा भाईंदर छोटी अयोध्या के धरातल पर आगमन हुआ। और कहते हैं पितृपक्ष में यह बड़ा सौभाग्य की बात है कि संतों के वाणी से कथा सुनना, यानी पितरों को बहुत तृप्ति होती है और पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। और महाराज जी तो राष्ट्रीय संत हैं और बहुत ही अच्छे कथावाचक हैं, और उन महाराज जी आए धरातल पर, धरती पर मीरा भाईंदर के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से कथा में आपने भी काफ़ी सहयोग किया? गुरु जी आते हैं, गुरु जी के आने चरण कमलों से जब आए पधारे तो थोड़ा अच्छा लगा हम लोगों को, और यहाँ आजू बाजू वाले लोगों को भी अच्छा लगा कि कम से कम प्रभु आए। और आने का उनका बंदोबस्त इसके लिए किया गया कि भाई आते हैं तो ये भी कार्तिक महीना चल रहा है और इसमें रामकथा होना बहुत शुभ होता है, और सब जो भी यात्री मतलब पब्लिक थे उन लोगों के लिए भी सुनने में, कम से कम 200-500 लोग थे तो उनको सुनने को अच्छा लगा रामकथा में, और गुरु जी आए तो बहुत अच्छा है। हमारे साथ एक और वरिष्ठ जन जुड़ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे चाचा, जिस तरीके से श्री विश्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट से काम करती है, विश्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले आप भी संस्था से जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्री राम कथा का आयोजन हुआ मेरा बैनर?
इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कम से कम गुरु जी का हम लोगों का दर्शन करा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और ये ऐसा सब काम अच्छे नहीं होते हैं, इन्होंने हम दर्शन करा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। बस अब ज़्यादा क्या बोलूँ। से बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस संस्था से जुड़ी हुई एक महिला जुड़ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम, जिस तरीके से काम हुआ, भारी संख्या महिलाओं ने भी इस महालाभ लिया श्री राम कथा का, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हम गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, हम आए उनका कथा सुन के बहुत अच्छा लगा हमको। अयोध्या एक पावन नगरी है, वहाँ से गुरु जी आए, हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि मीरा भाईंदर के पावन सानिध्य विश्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो अमृतमय श्री राम कथा का आयोजन हुआ, यहाँ से जो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के पचिन्हों पर चलने का जो संकल्प लिया है, निश्चित तौर पे इससे समाज की दशा और दिशा दोनों सुधरेगी और कथा श्रवण का जिन्होंने लाभ लिया है निश्चित तौर पर उनका जीवन धन धान्य होगा। कैमरा पर्सन निकी पांडे के साथ रितेश पाठक, खबर इंडिया, मुंबई।